स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैंने तुझे क्या कहा था? यही कि हम सबको भेष बदल कर बैंक लूटने जाना है ताकि हम पर किसी का ध्यान न जाए, तो तू प्रफुल्ल सबके लिए अलग अलग भेष का बंदोबस्त कर दे। हाँ, तो क्या? तो बाबूजी, मैंने किया तो है। देखिए, आपको देखिए, अपने आप को देखिए। आप अनानास बने बाबूजी, अनानास, और मुझे देखिए, मैं समोसा बना हूँ बाबूजी। समोसा बल्ले बल्ले, समोसा समोसा बल्ले बल्ले बोलता है। हाँ, तो मैं पंजाबी समोसा बनाऊ ना बाबूजी। अरे, और अब जो आने वाला है उसे आप पहचान ही नहीं पाएंगे बाबूजी। मुझे यकीन है आप उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। देखना, आ जाओ। मैं तो थक गई जापना। पहचाना बाबूजी? बोलिए ना, पहचाना? नहीं नहीं ना, मुझे यकीन था बाबूजी, मुझे यकीन था आप नहीं पहचान पाएंगे। अरे हंसा है। मेरी हंसा बाबूजी, मेरी हंसा है। ए बाबूजी, अभी जो आने वाला है ना, उसे तो आप बिल्कुल नहीं पहचानेंगे। ए मंसूर, आजा आजा। नहीं पहचाना ना हिमांशु को बाबूजी? मैं धोनी बनाऊ। क्या 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 क्या? ए धोनी, धोनी, SMS धोनी, MS धोनी। हाँ वो भी। हाँ, पर मैं तो उन्हें श्री महेंद्र सिंह धोनी कह के बुलाता हूँ ना, तो हुआ ना SMS धोनी। गोगे बाबूजी, बाबूजी कैसा लगा हम सबका भेष? जबरदस्त। मैं अनानास, तू ये पंजाबी समोसा, और ये हंसा अनारकली। अरे ऐसा भेष बदल कर हम बैंक लूटने जाएंगे? हाँ, ताकि हमको कोई पहचान ना पाए। अरे चलो, हम तीनों तो ठीक है, लेकिन हिमांशु, तू तो धोनी बिल्कुल नहीं लग रहा। तो लगना भी नहीं चाहिए बाबूजी, क्योंकि वो बैंक लूटने वाला है बाबूजी। सही है। ए मैं धोनी जैसा दिखूंगा और पकड़ा गया तो बेचारे SMS धोनी बदनाम नहीं हो जाएगा? तो आप क्या चाहते हैं बाबूजी, कि इतने महान खिलाड़ी का नाम बदनाम हो जाए? जैसी मैं लटक ही जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं लटक ही जाता हूँ। प्रफुल्ल, देखिए अनानास फिर से पेड़ पे लटक गए। हाँ, अरे मैं फांसी लगा ही लेता हूँ जैसी, ताकि ये किस्सा ही खत्म। अच्छा, शुक्रवार तक रुक जाइए ना बाबूजी। अब ये चाय पी लीजिए। हाँ तो सुनिए, भेष बदलना मतलब ऐसे नहीं, सबसे पहले तो हम पहचाने नहीं जाने चाहिए। हाँ, तो मैं धोनी हूँ ये कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन तू हिमांशु है, ये तो बैंक वाले पहचान लेंगे ना। कैसे? ए बैठ है, पैर में आईपैड पहने हैं। जयश्री, थोड़ा सा जहर डाल दे इसमें। क्यों, कम है? है? अच्छा सुनो, भेष कैसे बदलना है और वहां जाके क्या क्या करना है ये मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं बनूंगी इस बैंक की मुख्य सूत्रधार, राजू सिंह। हिमांशु, तू बनेगा टूटे हुए हाथ वाला बूढ़ा चाचा, पैदरो अंकल। प्रफुल भैया, आप बनेंगे जन्म से नेत्रहीन औरत शारदा। बाबूजी बनेंगे बाबूलाल, और हंसा भाभी बनेगी इस बैंक लूट की मुख्य हीरोइन, हंसा भाभी। अच्छा, कर बुरा तो हो भला। चलो। समझो कि ये कोकोनट ट्री बैंक है। अब हंसा भाभी जाएगी बैंक में जेवर निकालने के बहाने। अरे पर जयश्री, गहने निकालने के लिए बैंक में जाने की क्या जरूरत है, वो तो मैं यही निकाल सकती हूँ। तो अरे बैंक की तिजोरी में पड़े अपने गहने निकालने के लिए हंसा। अच्छा अच्छा, सुनो, अब देखो, ये देखो, बैंक के बाहर ऐसी मशीन होगी। मेटल डिटेक्टिव। मेटल डिटेक्टर। हाँ, वो भी बाबू जी। हिमांशु का हाथ और प्रफुल्ल भैया की छड़ी, इसके अंदर से अगर गुजरी तो है, बैंक छूट गई। क्योंकि हिमांशु के हाथ में और प्रफुल्ल भैया की छड़ी में बंदूक छुपी हुई है। हाँ।
आजमा लो। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे हिमांशु, ये लगी ही नहीं। हाँ। फिर से मार। क्या फिर से मार? इसलिए आप दोनों को बिना इस मेटल डिटेक्टर से गुजरे अंदर बैंक में जाना है। अच्छा। एक मिनट मंजू, एक मिनट। पर जयश्री भाभी, यहाँ तो चौकीदार खड़ा होगा ना? वैसे वो मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि मैं जन्म से नेत्रहीन हूँ ना। वेरी गुड प्रफुल भैया, वेरी गुड। सीखिए बाबू जी, सीखिए। हाँ हाँ ठीक है। इसलिए यहाँ पे खड़ा चौकीदार जो सबकी तलाशी लेता है उसको कैसे भी करके यहाँ से हटाना है। और वो काम मैं करूँगा। ए चौकीदार बाबा, दो दिन से कुछ नहीं खाया है। बाबूजी अभी खरे निकल पड़ी आप। अब ये चौकीदार बाबूलाल भिखारी को हटाने के लिए यहाँ नीचे आएगा। अच्छा अच्छा, पीछे बूढ़ा मैं और नेत्रहीन जिज्जा जी मौका देखकर अंदर घुस जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। बहन जी आइए। और फिर मैं आऊंगी। दे 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 भगवान के नाम पे, दे 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 भाई भगवान के नाम पे, दे दे। जय श्री बेन, एक मुसीबत है। क्या है? उधर देखिए, दो दो चौकीदार है। पायलट बाबूजी छू, दो दिन से कुछ खाना नहीं खाया है, खाना दे दे बाबा। अरे हाय हाय, ये तो एक ही आ रहा है। बाबूजी, चार दिन से कुछ नहीं खाया है ऐसा कहिए। क्यों? दो दिन से कुछ नहीं खाया है सुनकर एक आया, तो चार दिन से कुछ नहीं खाया सुनकर दो आएंगे ना? ए क्या बैंक के सामने भीख मांग रहा, चल निकल। बाबूजी, बाबूजी उसे थप्पड़ मारिए। हे हे, क्या कर रहा है? हिमांशु निकल, प्रफुल भैया चल चल। थप्पड़ मारता है रास्कल। जन्म से नहीं देख पाने वाली औरत, रुकिए। मेरी अंसा, मेरी रास्कल मतलब रास्कल सुंदर नारी। याद करो महेंद्र भाई ने नवरात्रि में क्या कहा था? महेंद्र भाई ने मुझसे कहा था कि आज गरबा खेलते हैं, डांडिया रास्कल खेलेंगे, रास्कल खेलेंगे, रास्कल रास्कल रास्कल। अच्छा अच्छा रास्कल। अरे नहीं नहीं, वो रास्कल का मतलब नहीं यार। अरे रॉबर्ट, रामचरण, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? आओ। ये मैनेजर बाहर आ गया, देखिए। मैं कैसे देख सकूंगी? मैं तो जन्म से नहीं देख सकती दाढ़ी वाली बहन जी। क्या कर रहे हो? क्या हुआ क्या? सर ये भिखारी ने मुझे गाल पर थप्पड़ मारा सर। क्या बापूजी, दूसरा थप्पड़ मारिए। क्या करता है? चलो 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 प्रफुल भैया, हमारी हिम्मत कैसे हुई? हेलो हावर, खाना खा के जाना हा? तुम दोनों पर गेट पर जाओ, जाओ। चौकीदार पर हाथ उठाता है, पुलिस को बुलाओ। हाय हाय, पुलिस ओपी से, लेकिन अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। What is? ओ भिखारी, ये लो 100 रुपए और चलो निकलो यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई अरे दो दिन से खाना नहीं खाया। चलो मैनेजर कुमार, चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ हाँ, मुझे जेवर निकालने हैं कॉलर से। कॉलर नहीं होता है, लॉकर होता है, लॉकर मैडम। चक्रम ऐसे कुछ भी मत बन, लॉकर मतलब तो कम कर, जैसे एसी लॉकर, पंखा लॉकर। तुझे मैनेजर किसने बनाया? अरे सिफारिश। आज तो बहुत देर कर दी इन लोगों ने। हाँ देखो ना, बड़ा संभार लाने में इतना टाइम, कमाल है। वेटर वेटर। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम जी, ये बैंक है, होटल नहीं है। तो मुझे कैसे पता? मैं जन्म से नहीं देख सकती ना।
अरे मैडम, करेंसी का मतलब सच में पैसा होता है, पैसा। इसे कुछ भी नहीं आता। करेंसी का मतलब पैसा नहीं होता है चक्रम। करेंसी का मतलब होता है वो करण जौहर है ना, करण जौहर को देख के सब बोलते ना, ए सी 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 करेंसी 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 करेंसी। आर यू इनसेन? नो, आई एम ए पारेख। सुष्मिता इनसेन। सुष्मिता सेन? नहीं नहीं, आशीष सेन। वो ना इस्तीफा दे दे, इस्तीफा। हिमांशु तैयार है? हाँ, मैं बाथरूम जाके आऊँ? नहीं नहीं, अब तू बाथरूम नहीं जा सकता। मतलब कभी नहीं? क्या तू? चल चल चल, बंदूक रोक बंदूक। अरे भाई साहब, आप समझाइए ना मैडम को, कितना टाइम। हैंड्स अप। हैंड्स अप तो तू पहले से ही है हिमांशु। हैंड्स अप। अगर कोई अपनी जगह से हिला या किसी ने शोर मचाया तो मैं ये मेरी बड़ी बहन जैसी दिखती औरत को गोली मार दूंगा। मैं भी, मेरी स्टडी में बंदूक है, देखिए। फिर से गिरा। यहाँ कोई भी अगर चिल्लाया तो मेरे सामने खड़ी इस सुंदर नारी का खून बहेगा। वैसे मैं नहीं देख पाऊंगी कि उसका रंग लाल होगा या नीला। है? लेकिन खून तो लाल ही होता है ना। मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो जन्म से नहीं देख सकती ना। है? और सुनो, अंदर जो 4 करोड़ रुपए पड़े हैं वो लाकर इस बैग में रख दो। अरे देखिए देखिए, मैं कैसे देखूंगी, मैं तो जन्म से नहीं देख सकती। अच्छा तो सुन लीजिए। हाँ, वो कर सकती है। हमारे बैंक में कोई 4 करोड़ रुपए नहीं है। तो मेरे मालिक के 4 करोड़ रुपए है? हाँ, ए, अच्छा वो सर वो। अरे नहीं 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 है, नहीं है। आई स्वेर। हाय लॉर्ड। सॉरी। जन्म से नहीं देख पाने वाली औरत। आई स्वेर मतलब? आई स्वेर सुंदर नारी। अरे वो मिस्टर सुब्रमण्यम, याद करो उनके पापा गुजर गए थे तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि when my father died, my eyes were full of tears, my eyes were full, eyes were. चाचा जी, इसे मार दो, इसे मार ही दो। मारी दूंगा अगर 4 करोड़ रुपए नहीं दिए तो। 4 करोड़ नहीं, मैं 8 करोड़ दूंगा। लेकिन इसे तो गोली मार दो चाचा जी। जय श्री, दे दो ना प्लीज। देखिए चाचा जी, आप हाथ मत जोड़िए, मैं बड़े बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी कही हुई हर बात मानता हूँ। पीछे दे दो ना, हमने बहुत मेहनत की है। आप सोचिए ना, मतलब इतने लोग हैं ना भाई, है ना, ये है ये है ये है ना। आप किसी की भी सिर पे बंदूक रख दीजिए, मैं आपको 4 करोड़ दे दूंगा, लेकिन इसके लिए नहीं दूंगा। हाय लॉर्ड, मैंने क्या बिगाड़ा है? व्हाट हैप? अरे बुड्ढे चाचा, जरा समझिए, उसने क्या कहा? उसके सर पे बंदूक रखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी और के सर पे बंदूक रखिए, किसी और के। थैंक यू। अगर मुझे 4 करोड़ नहीं दिए तो मैं ये मेरे जीजा जी जैसे दिखने वाली औरत को गोली मार दूंगा। मैं भी, अगर यहाँ किसी ने आवाज ऊंची की तो ये बंदूक और मेरा सर। तो लाओ 4 करोड़। जय श्री बहन। हैंड्स अप। मैं तो थक गई पेशाब। 2 मिनट के अंदर अगर 4 करोड़ रुपए इस बैग में नहीं रखे तो आज ये मैनेजर मरेगा। देखा, मुझे मारने चला था चौकरों।
जयश्री कृष्ण खबर में तो हम बैंक लूटने आए हैं। हाँ हाँ बापा 4 करोड़। हाँ हाँ बा नई नोटें लूंगी ना। चलो 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 जल्दी से पैसे लाओ। अरे अरे लाओ लाओ जैसा बोल रही है वैसा कर दो यार। जाओ ज्यादा होशियारी नहीं। बूढ़े चाचा फोन ले लो जेब में रखो। अरे अपनी जेब में अपनी जेब में। मींस के चोरी। मैं हूं ना मैं रख लेती हूँ मेरे पैंट के पॉकेट में। हैं? लेकिन मैडम आपने तो फ्रॉक पहनी है। अच्छा मुझे कैसे पता मैं तो जन्म से नहीं देख सकती ना। ये रहे आपके पैसे। लीजिए लीजिए आ गए। चलो चलो सब अंदर चलो 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 एवरीवन कम ऑन कम ऑन फास्ट फास्ट चलो अंदर। बाय 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 बाय। बड़ी बात मिल गई मिल गई। चलो 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 उठा लो उठा लो। आज तो नारियल की चटनी बनाया गया। अरे ये नहीं ये बैग। चलो 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 हम यहाँ से जाते हैं पीछे वाली लिफ्ट से नीचे उतर जाते अपना ये भेस निकाल कर। किसी को पता नहीं चलेगा। चलो 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 बाय बाय बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।